तो इतने पीआर के बाद भी शाहरुख खान की फिल्म पठान का बिल्कुल वही हाल हुआ जो साल 2022 में करण जौहर की फिल्म ब्रह्मास्त्र का हुआ था, यानी कि डिजास्टर। पर दोस्तों ब्रह्मास्त्र फिल्म का रिकॉर्ड जो है ये फिल्म नहीं तोड़ पाई। ब्रह्मास्त्र फिल्म जो है वो अब तक की भारत की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म है। शाहरुख खान की फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया वो साल 2022 की फिल्म थी और ये साल 2023 की फिल्म है। तो अब तक की भारत की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म शाहरुख खान की फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया वो साल 2022 की फिल्म थी और ये साल 2023 की फिल्म है। तो साल 2023 में अब तक का सबसे बड़ा डिजास्टर फिल्म जो है वो पठान बन चुकी है। कमाई के मामले और सब कुछ जो है सब कुछ की पोल जो है वो खुलती जा रही है। ये दोस्तों 6 फरवरी का वीडियो है, 6 फरवरी का आईएमडीबी का जो है मैं स्क्रीनशॉट आप। इस साल 2023 में दो फिल्में आने वाली है पठान, तो भैया इनको पहले से पता था कि डिजास्टर ही होनी है, पर किसी भी तरह पठान फिल्म को जो है सुपर हिट घोषित करना चाहते थे, वो इसलिए ताकि आने वाली अपनी दो फिल्मों को दो कचरा फिल्म बॉलीवुड फिल्म है होंगी। कॉपी इनके पास कोई कंटेंट है नहीं, कॉपी पेस्ट यहां से चोरी वहां से चोरी। पठान फिल्म जो चोरी चकारी वाली फिल्म है, आने वाली इनकी दो फिल्में हैं वो भी 2 करोड़ से ज्यादा बजट था, पीआर वगैरह मिलाकर 400 करोड़ तक की मूवी बनी थी। कमाई फिल्म का अब तक जो है दोस्तों 200 करोड़ तक पहुंचा है। ये 200 करोड़ भी जो है ग्रॉस है, इसमें तो टैक्स लगेगा, प्रोड्यूसर का कितना शेयर है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर। तो भैया इन लोगों को क्या मिलेगा फिल्म से, ये जो चीज है यहां पर भी दिखाई दे रही है दोस्तों। पीवीआर 25 तारीख को पीवीआर यहां पर था 25 जनवरी को, अब तक जो है बैलेंस शीट में जो है आंकड़ों में जो है वो कमाई दिख नहीं रही और इसके लिए हाल। इतने पीआर के बाद भी जो है शाहरुख खान की फिल्म डिजास्टर हुई है, इनको पता तो पहले से ही था कि फिल्म डिजास्टर होगी, पर फिर भी इस फिल्म के लिए जो है पीआर के बहुत पैसा खर्च किया और वो पैसा इसलिए खर्च किया गया दोस्तों क्योंकि शाहरुख खान की ना इस साल 2023 में दो फिल्में आने वाली है। पठान फिल्म है ना, इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं, पठान फिल्म जो है उसका प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा है, शाहरुख खान प्रोड्यूसर नहीं है। पर ये दोनों जो फिल्में हैं ना, ये रेड चिली कंपनी की फिल्म है, रेड चिली जो है शाहरुख खान की, इनकी पत्नी जो है गौरी खान करके बेगम जो है, तो उनकी मतलब इसमें पैसा जो है मेन प्रोड्यूसर भी जो इन दोनों फिल्मों में है वो शाहरुख खान है। तो ये पठान फिल्म को जो बचाना था वो बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत पीआर ब्रह्मास्त्र वालों ने किया था, बहुत पीआर जो है ये लाल सिंह चड्ढा गैंग जो कि उन्होंने भी बहुत पीआर किया था। और ये पीआर के बाद भी भैया पीआर यार चलते नहीं है, पता क्यों? क्योंकि सनातनी लोगों ने तो बॉयकॉट कर रखा है। दूसरा, आपके पास खुद का अच्छा कंटेंट ही नहीं है, स्टोरी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, चोरी चकारी फिल्म है, यानी कचरा फिल्म है। तो इन दोनों के चलते जो है फिल्में डिजास्टर ही हुई है। कमाई फिल्म का अब तक जो है दोस्तों 200 करोड़ तक पहुंचा है। ये 200 करोड़ जो है ग्रॉस है, इसमें तो टैक्स लगेगा, प्रोड्यूसर का कितना शेयर है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर। तो भैया इन लोगों को क्या मिलेगा फिल्म से, ये जो चीज है यहां पर दिखाई दे रही है दोस्तों। पीवीआर 25 तारीख को पीवीआर जहां पर था 25 जनवरी को, अब तक बेचारे 6 फरवरी का स्क्रीनशॉट है, अब तक बेचारा पीवीआर जो है वहां तक भी नहीं पहुंच पाया।